हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्विक ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप इंस्टामोजो पे किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को ऐड करके सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है किसी भी ब्राउजर में और वहाँ पे instamojo.com पे जाके वहाँ पे अपने अकाउंट पर लॉग इन करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंस्टामोजो का जो अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है ऐड प्रोडक्ट पे। अब दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है इवेंट टिकट या चौथा अदर्स में आप कोई भी डोनेशन, सब्सक्रिप्शन या सर्विसेज आप अपना यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एक PDF सेल करने वाला हूँ। तो PDF अगर कोई भी आप सेल करते हैं तो उसे डिजिटल फाइल में आएगा, क्योंकि यह डिजिटल मोड है। और फिजिकल प्रोडक्ट में आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है, जैसे पेन हो गया या कोई बुक हो गया, जो कि आपको डिलीवर करना होगा उनके घर पे, उसके लिए आपको फिजिकल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई PDF फाइल या कोई भी आपको ई-बुक वगैरह सेल करना है तो आपको सिंपली डिजिटल फाइल पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है अपलोड फाइल का। यहाँ पे आप 2 GB तक का फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए सिंपली आपको अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और अपने प्रोडक्ट को चूज़ करना है, जिस भी प्रोडक्ट को या जिस भी PDF को आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक इसका चाहे तो इमेज भी यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई इमेज अगर आपको डालना है तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए डाल दिया है कोई भी, और उसके बाद आप चाहे तो और भी इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों, अगला ऑप्शन हमारा टाइटल का है। टाइटल में आपको बताना है कि आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो कि NTPC के हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता है आपको, ये यहाँ पे भी आप चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। तो मैंने यहाँ पे पहले से कुछ लिख के रेडी किया है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे ऐड कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी लिंक अटैच कर सकते हैं या कोई भी यहाँ पे फोटो वगैरह भी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस पूछे जाएंगे। पहला है फिक्स प्राइस, दूसरा है पे व्हाट यू वांट और तीसरा है फ्री। अगर आप अपने प्रोडक्ट का कोई भी प्राइस रखते हैं जो कि फिक्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 रुपये रख दिया है अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 20 रुपये मैंने रख दिया है, और 20 रखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को मैं फ्री में डाल दूं किसी को भी, तो फ्री वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। अगर फिक्स प्राइस है आपका तो यहाँ पे फिक्स प्राइस आपका क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन मिलेगा पे व्हाट यू वांट, यानी कि अगर इस पर आप टिक करते हैं तो आपका कस्टमर 20 रुपये तो पे करेगा ही, अगर उसका मन है तो वो और भी पे कर सकता है, लेकिन 20 से कम पे नहीं होंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करें। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है लिमिट नंबर ऑफ डाउनलोड्स पर बायर, यानी कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट खरीदता है वो कितनी बार आपके लिंक से यहाँ पे डाउनलोड कर सकता है, वो लिमिट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टोटल अवेलेबल क्वांटिटी, यानी कि आपके पास कितना क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट का। अगर आपके पास मिनिमम क्वांटिटी है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अनलिमिटेड पे टिक कर दें, यानी कि कितना भी यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो काफ़ी सारे वेरिएंट्स में है, यानी काफ़ी सारे कलर्स में, पैटर्न, साइज अलग अलग है, तो यहाँ से आप इसे चाहे तो ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरीज का, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी यहाँ पे डालना चाहते हैं तो ऐड न्यू कैटेगरी पे डालेंगे और यहाँ पे कैटेगरी आपको सर्च करना है किस कैटेगरी में आपका ये प्रोडक्ट आता है। तो डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो हमारा ये एजुकेशन कैटेगरी में आता है, एजुकेशन चूज़ करेंगे, अदरवाइज आप चाहे तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रीसेलिंग का, रीसेलिंग को अगर आप ऑन करते हैं तो आपके प्रोडक्ट को कोई और मर्चेंट अपने वहाँ के स्टोर पे रीसेल कर सकता है, इससे आपका इंक्रीज होगा प्रोडक्ट का सेल्स का और आपके बिजनेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे से। और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा SEO का, अगर आप इसे रैंकिंग कराना चाहते हैं ताकि सर्च में भी आए आपका, जैसे कि इंस्टामोजो पे अगर कोई सर्च करता है तो डायरेक्टली आपका अगर टैग, डिस्क्रिप्शन या जो भी URL वगैरह आप डालते हैं वो SEO में आता है, बढ़िया से आपने SEO किया है तो आपका रैंकिंग जो है वो सबसे ऊपर दिखाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस्ड का, यहाँ पे क्या लिखा है थैंक यू नोट, यानी कि अगर कोई भी पर्सन आपके इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली परचेस कर लेता है
और परचेस करने के बाद उसको किस तरीके का मैसेज वहाँ पे शो करे वो आप चाहे तो यहाँ से मैन्युअली डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं परचेस करने के बाद वो किसी लिंक पे या किसी भी आपके वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आप उस वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कोई भी URL यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि वो कुछ और भी परचेस कर ले। जैसे कि थैंक यू नोट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको दिखा दिया है, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और डालने के बाद आपका फाइनली यहाँ पे सारा काम हो चुका है, आपको क्लिक कर देना है सेव पे। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आइटम है वो यहाँ पे शो कर रहा है, जो मैंने ऐड किया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने डैशबोर्ड पे और मैंने सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ वो प्रोडक्ट आपको किस तरीके से शो करेगा। मैं जाता हूँ अपने प्रोफाइल पे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई ऑनलाइन स्टोर का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो भी प्रोडक्ट आपने ऐड किया था वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया था NTPC रेलवे का। और अगर आप इस पर कोई भी एडिटिंग अभी भी करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं बाय नाउ का ऑप्शन मिला है। आप चाहे तो इसके प्राइस को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और उसके बाद आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था वो भी आपको यहाँ पे शो कर देगा। दोस्तों हमने यहाँ पे प्रोडक्ट तो ऐड कर लिया है, अब बात करते हैं इसको शेयर कैसे करना है ताकि कोई भी परचेस करे वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके। तो इसको आप चाहे तो फेसबुक, ट्विटर या फिर यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू आप यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस लिंक को शेयर करना चाहते हैं तो लिंक को शेयर करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है और एक लिंक आपको यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इस लिंक को आप कहीं भी शेयर करेंगे वहाँ से इजीली कोई भी आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इंस्टामोजो पे कोई भी अपना एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करें और ऐसे ही और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।